मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और ठंडी हवाएं, मौसम खुशगवार। मुगलपुरा, फिरोजपुर रोड, शाहदरा, माल रोड, टाउनशिप, मॉडल टाउन और मरकजार कॉलोनी समेत मुख्तलिफ इलाकों में जल थल हो गया। मूसलाधार बारिश से सड़कें, नदियां और गलियां तालाब बन गईं। नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। लारी अड्डे के स्टैंड्स में पानी जमा होने से ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी बारिश का पानी जमा हो गया। बारिश से लेस्को का तरसीली निजाम मुतासर। 100 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप होने से मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली गायब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी से नून लीग के वक्त की मुलाकात। लीगी रहनुमा फोन पर शहबाज शरीफ से हिदायत लेते रहे। डेढ़ घंटा जारी रहने वाली मुलाकात में हसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक और सरदार आया सादिक टेलीफोन पर शहबाज शरीफ से बार बार राबता करते रहे। ज्वाइंट अपोजिशन कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए नून लीग की जानब से मेम्बरान के नाम भी शहबाज शरीफ की मुशावत से फाइनल हुए। शहबाज शरीफ की सियासत खात और बयानबाजी तक रह गई है। फयाजुल हसन चौहान की अपोजिशन लीडर पर कड़ी तनकीद। बोले, एपीसी को जितना गैर मुत्तहदा अपोजिशन ने बदनाम किया शायद ही किसी ने किया। वजीर आजम की पॉलिसियों से कोरोना केसेस कम हो रहे हैं। सख्त माशी हालात के बावजूद इक्तसादी सरगर्मियां जारी हैं। ख्वाजा बरादरान की इस्तकामत और अज़्म काबिले तारीफ है। ख्वाजा बरादरान को नैब ने एहतसाब नहीं बल्कि इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहा, ख्वाजा बरादरान के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नैब और नाम नेहाद एहतसाब के अमल पर फर्द जुर्म है। आटा माफिया ने अवाम को लूटने का अनोखा तरीका निकाल लिया। हुकूमत ने 20 किलो थैले की कीमत मुकर्र की। फ्लोर मिल्स ने 25 किलो का थैला निकालकर महंगा बेचना शुरू कर दिया। मार्केट में 25 किलो का थैला 1350 से 1380 रुपए में फरोख्त होने लगा, जबकि मुख्तलिफ इलाकों के साथ यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटे और चीनी की किल्लत बरकरार। उधर सरकार ने सब्जियों की कीमतों में इजाफा कर दिया। प्याज की सरकारी कीमत 35 के बजाय 60 रुपए प्रति किलो मुकर्रर। टमाटर 85 के बजाय 120 रुपए में बिकने लगा। लहसुन देसी की सरकारी कीमत 185 जबकि बिकने लगा है 300 रुपए किलो। नाजेबा गैर इखलाकी मवाद की शिकायत। पीटीए ने बीगो लाइफ ऐप ब्लॉक कर दी। टिकटॉक को आखिरी वार्निंग जारी। पीटीए के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनीज को नाजेबा मवाद से मुतालिक नोटिस जारी किए गए थे। कंपनियों ने शिकायत के अजाले के लिए इत्मीनान बख्श इकदाम नहीं किए। मेट्रोपॉलिटन के कंट्रोल एरियाज में 248 खतरनाक इमारतों का इंकशाफ। मखदूश इमारतों में मुकीम हजारों शहरियों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। दाता कंचबख्श जोन में 145 मखदूश इमारतों की निशानदेही की गई। 145 में से 64 मखदूश इमारतों को मिसमार कर दिया गया। 50 से ज्यादा इमारतों की बहाली दरकार, जबकि मजीद 9 इमारतें रिहाइश के काबिल भी नहीं। सरकारी स्कूलों के लिए 3 करोड़ 50 लाख पाउंड्स के मंसूबे में घपले। वीडियो प्रोडक्शन कंपनी की किताबें स्कूल्स के लिए कंसल्टेंसी फर्म टेंडर अवार्ड्स करने का इंकशाफ। वारेक्स कंसल्टेंसी फर्म को किताबें मुंतखब करने का ठेका 3 करोड़ में दिया गया। फर्म ने अपने ही पार्टनर की 10 करोड़ से ज्यादा की अंग्रेजी कुतुब मंजूर करा ली। मामले पर PMIU के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अहमद रजवाना को अहदे से हटा दिया गया। अहमद रजवाना ने अपनी रिपोर्ट में किताबों की खरीदारी के अमल को शफाफ करार दिया था। कमीशन लाहौर के लिए 3 उम्मीदवार सामने आ गए। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर अहमद जावेद काजी मजबूत उम्मीदवार। सेक्रेटरी लेबर मोहम्मद आमिर जान का नाम कमीशन लाहौर के लिए आया। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जुल्फिकार अहमद घुमन भी मजबूत उम्मीदवार, जबकि पंजाब में मुतादिद अफसरान की ग्रेड 21 में तरक्कियां। मेंबर पंजाब सर्विसेज ट्रिब्यूनल खालिद शेख को ग्रेड 21 में तरक्की दे दी गई। अहमद अली कम्बू, सैयद जावेद इकबाल बुखारी, मुमताज हुसैन जाहिद समेत दीगर तरक्की पाने वालों में शामिल। गुर्बत या फिर चोरी की आदत।
दूध के डब्बे चुराते मियां बीबी पकड़े गए। मियां बीबी वैलेंशिया में वाके स्टोर से दूध के डब्बे चुरा रहे थे। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सिटी 42 ने हासिल कर ली। स्टोर इंतजामिया ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से रंगे हाथों पकड़ा। दोनों को मजीद कार्रवाई के लिए सत्तू कतला पुलिस के हवाले कर दिया गया। हुकूमत ने पंजाब की ईद से कबल बाजार और मार्केट्स बंद करने की तजवीज़। शहर की ताजिर बरादरी ने पंजाब हुकूमत की तजवीज़ की मुखालफत कर दी। हुकूमत ईद से कबल मार्केट्स और बाजार 24 घंटे पूरा हफ्ता खोले। कोरोना का ग्राफ गिर चुका। 24 घंटे मार्केट्स खोलने से एसओपीज़ पर अमल दरामद होगा। ताजिरों का मौका।